आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। लखनऊ पहुंचकर केजरीवाल ने एनडीए की हार की भविष्यवाणी की। केजरीवाल ने ये बता दिया कि पीएम मोदी कब क्या करने वाले हैं, भविष्य की मोदी नीति पर अपना विश्लेषण भी सामने रख दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अपने सरकारी आवास पर पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी पर एक शब्द नहीं कहा। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे 7 मिनट तक बोले, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ अपने सरकारी आवास में हुई मारपीट के मुद्दे पर चुप रहे। वो भी तब जबकि ये चर्चा गर्म रही कि केजरीवाल के करीबी जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप लगे थे, वो विभव भी दिल्ली से केजरीवाल के साथ लखनऊ आए थे। स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में। उस गाड़ी में बैठे हुए हैं विभव कुमार और खुद चलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि विभव के फोटोग्राफ्स न आ पाए। विभव पर एक्शन के मुद्दे पर केजरीवाल से सवाल पर सवाल किए जाते रहे, लेकिन वो खामोश रहे। भाजपाई किसी के सगे नहीं है, ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। जब सवालों की बौछार तेज हुई तो अखिलेश यादव ने माइक को बगल में बैठे केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ सरका दिया और केजरीवाल ने इस पर संजय सिंह के बोलने की बात कही। हाँ बोलो, एक बार बोल रहे बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। अब केजरीवाल से पूछे जा रहे सवालों का जवाब देने के लिए उनकी सहमति से पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली से जुड़े संगीन सवालों पर सीधा जवाब देने की बजाय मणिपुर और कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मामले को आगे कर दिया। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है। सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। बीच में बैठे केजरीवाल चुपचाप सुन रहे थे। इसके बाद संजय सिंह ने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में आई स्वाति मालीवाल की पुलिस से पिटाई करवाने का बीजेपी पर आरोप लगाया, फिर सीधे पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल की मौजूदगी में संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीतिक खेल न खेले, लेकिन बीजेपी ने आईना दिखाने में देर नहीं की, क्योंकि विभव अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे काले कारनामे हैं जिनका गहरा राजदार है, इसलिए अरविंद केजरीवाल उसको आश्रय दे रहे हैं। केजरीवाल ने पिटवाया है और आज लीपापोती हो रही है और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस बात को आगे मत बढ़ाएं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है।